इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ्लिपकार्ट से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ईएमआई पर कैसे बाय कर सकते हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है ए टू जेड कोई भी हो उसको आप किस्तों पर कैसे खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से, ये जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन ये जो है ब्राउजर में ओपन कर लीजिए, उसके बाद आपको कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करें कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले सेक्शन पर चले जाइए। अब यहाँ पर सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान देखने को मिलेगा, जैसे कि स्मार्ट वॉच होगी, लैपटॉप हो गए, ट्रिमर हो गया, प्रिंटर हो गया, मतलब ए टू जेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं कॉलिंग टैबलेट खरीदना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक सामान में, और ये देख सकते हैं रियलमी का एक कॉलिंग टैबलेट है, इसकी कीमत 15,000 रुपये है। यहाँ पर इसका जो है सबसे पहले आप वेरियंट सेलेक्ट कर लीजिए किस वेरियंट में आपको ये चाहिए, उसके बाद यहाँ पर इसकी कीमत है 14,999 रुपये, पूरे 15,000 बाय नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप इस टैबलेट का बैक कवर और टेम्पर गिलास खरीदना चाहते हैं तभी, तो ऐड बटन पर इस तरीके से क्लिक कर दीजिए, वरना स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे आपके सामने होम एड्रेस आ जाएगा आपका, जो आपने ऐड कर रखा होगा, उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने आएगा पेमेंट मेथड, पहला ऑप्शन है यूपीआई का, फिर है वॉलेट पोस्टपेड, फिर है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड, फिर है नेट बैंकिंग, और फिर है ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट्स। इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि हमें ये ईएमआई पर लेना है, कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने दोस्तों अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड आ जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं नो कॉस्ट ईएमआई किस क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल है, जहां पर हमें कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो नो कॉस्ट ईएमआई इन दोस्तों देख सकते हैं 5 बैंकों में सिर्फ अवेलेबल है। कॉस्ट ईएमआई यानी कि जहां पर कम ईएमआई है वो देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे सिंपल, तो यहां पर अभी कोई बैंक यहां पर नहीं दिखा रहा। उसके बाद ऑफर देख लेते हैं किस बैंक में अवेलेबल है, तो आईसीआईसी का बैंक है सिर्फ, इस पर आपको ऑफर देखने को मिला है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो पहली ईएमआई है 3 महीने की 4,637 रुपये, इस पर देख सकते हैं आप ये 4,637 रुपये इसकी ईएमआई है हर महीने की 3 महीने तक। इस पर लग रहा था इंटरेस्ट रेट 363 रुपये का, लेकिन वो नो कॉस्ट ईएमआई में कट हो गया, साथ साथ बैंक ऑफर भी मिल रहा है, यानी कि बैंक की तरफ से डिस्काउंट अगर आप इसको लेते हैं तो 1,500 रुपये का आपको दोस्तों डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, और टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 13,548 रुपये। तो इस तरीके से ऑफर में दोस्तों आपको ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये वाला क्रेडिट कार्ड मेरे पास नहीं है, मेरे पास है एसबीआई का क्रेडिट कार्ड। तो सिंपल दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई देखेंगे अभी इन बैंकों में अवेलेबल है, सीओल पर क्लिक कर दूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आ जाएगा। उसके बाद 3 महीने की ईएमआई है 5,138 रुपये, और यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 415 रुपये। ये मुझे दोस्तों प्रोडक्ट की कीमत से थोड़ा अलग देने होंगे क्योंकि ये एक इंटरेस्ट है, तो ये इसमें ईएमआई में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर हम एक साल की देखें, ये 1,354 रुपये ये इसकी ईएमआई है, और यहाँ पर इंटरेस्ट लग रहा है 1,247 रुपये का, जो कि अलग से देना होगा, लेकिन वो ईएमआई में ही इंक्लूड होता है, आपको कहीं भी उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर 6 महीने की देख सकते हैं 2,582 रुपये, तो ये वाली मैं लेना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ पर लो नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें हमारे 166 रुपये ही सिर्फ कट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल के लिए मैं आपको जो है ये वाली ईएमआई लेना चाहता हूँ, तो इसको चूज़ ए प्लान पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दूंगा, उसकी वैलिडिटी और सीवीवी नंबर डालने के बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दूंगा, मेरा ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको बता दिया है कि कैसे आप ईएमआई से कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से। इसके बाद कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारी जो है पहली ईएमआई कब कटेगी, हमारे क्रेडिट कार्ड में कितना बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आपको ये सब जानना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये वीडियो देखने के बाद पूरी आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।